Hello, dear all. Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of play group to class 12, emotional and communication skills, happiness classes, and DIY activities. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है महान कौन एक समय की बात है एक नदी के किनारे पर एक आम का और दूसरा नीम का पेड़ आमने सामने लगे हुए थे वहाँ का जो मालिक था वह रोज उन दोनों पेड़ों में पानी डाला करता था किंतु वह सबसे ज्यादा देखभाल आम के पेड़ की किया करता था क्योंकि बच्चों आम पर मीठे मीठे आम जो आते हैं इसीलिए अब वह उसको तो रोज पानी डालता था किंतु जो नीम का पेड़ था उसे कभी कभी डाला करता था वह दोनों पेड़ समय पर बड़े होने लगे यह देखिए बच्चों आम के पेड़ पर तो खूब मीठे मीठे और रसीले आम आए किंतु जो नीम का पेड़ था उसके ऊपर कड़बे फल आए आम जो इतने अच्छे होते हैं इस बात पर आम के पेड़ को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था वह नीम के पेड़ से बात नहीं करता था यही सब देखकर नीम के पेड़ ने कहा अरे भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो तुमने तो तुम मुझसे बोलना ही बंद कर दिया अब इस पर आम का पेड़ कहता है अरे भाई मेरे तो आम इतने मीठे हैं मैं तुमसे क्यों बात करूं देखो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा गुणों वाला हूँ मेरे बीजों से दवाइयाँ बनती हैं मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ इस तरह से वो दोनों पेड़ आपस में बहस कर रहे थे तभी बीच में एक पपीते का पेड़ होता है वह उन दोनों से कहता है तुम दोनों बहस मत करो नहीं नहीं हम मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा हूँ मेरे फल बहुत मीठे हैं। नहीं भाई मैं भी कुछ कम नहीं हूँ अरे तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो देखो नीम का पेड़ ज़्यादा गुणवत्ता वाला है इसमें ज़्यादा गुड़ होते हैं इसकी दवाइयाँ बनती है अरे लेकिन मीठा तो मैं हूँ हाँ नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारे कहने से क्या होता है देखो भाई सभी पेड़ों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हैं, नीम के बेजों से दवाइयां बनती जिसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं मेरी नजर में तो नीम का पेड़ ज्यादा अच्छा है तुम्हारे कहने से क्या होता है बच्चों एक समय पर उस आम के पेड़ पर जाला लग जाता है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं अब वहाँ का मालिक आकर नीम के बीज को पीसकर उसका रस आम के जड़ों में डालता है और कुछ समय बाद आम का पेड़ बहुत हरा भरा हो जाता है अब आम के पेड़ को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह नीम के पेड़ से माफ़ी मांगता है सो डियर किड्स इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग